बहुत अच्छा लगा। जो मेरा अक्षय कुमार का जो स्टाइल था, उसका बोलने का स्टाइल तो बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा बाला के बारे में क्या कहना है? बाला के बारे तो और अच्छा, खूब से सबसे अच्छा अच्छा था। ओके, कितना स्टार होने जाए फाइव? अरे बहुत हो सकता है, पूरा स्टार होने जाए। पाँच में फाइव, फाइव में फाइव देना। मैं तो बोलता हूँ भाई, फिल्म हिट होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ फिल्म हिट होना चाहिए भाई, बहुत अच्छा है। ओके, कॉमेडी कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो पूरा जन्म का पता है कि वापस से जन्म लेंगे, वो कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत आना चाहिए। अक्षय तलवार वाला एक सीन आता है वो। ओके, बाला के बारे में क्या चैलेंज? बाला चैलेंज जो सबको बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा चैलेंज किया वो। न्यू है, न्यू स्टेप निकला है अभी। ओके, पूरा जन्म का जो बताया गया है उसमें कितना विश्वास करते हो और कितना खरा उतर आएगा? बहुत अच्छी लगी। ओके, कॉमेडी की बात करें, सबसे अच्छी आपको कॉमेडी किसकी लगी? अक्षय कुमार की। हाँ, कह सकते हैं। बाला के बारे में क्या कहना? अक्षय कुमार का कैरेक्टर तो कुछ ज़्यादा अच्छा था, दैट बाला सॉन्ग वाला, और रितेश देशमुख का भी ठीक था। 515। वेलकम। ओके, तो हाउसफुल मूवी देखिए, आपने कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अक्षय कुमार की एक्टिंग और रितेश देशमुख की कॉमेडी बहुत अच्छी है। तीनों पार्ट से तो हटकर है, अक्षय कुमार ने अच्छी कॉमेडी की। बाला और हैरी वाला भी दोनों पार्ट अच्छा है और ब्लॉकबस्टर जाएगी, सबको दिवाली अच्छी मिलेगी। ओके, कॉमेडी की बात करें तो तीनों में से सबसे अच्छी कॉमेडी किसकी लगी? मेरे को दोनों की है, रितेश और अक्षय कुमार की लगी। ओके, बाला के बारे में बात करें तो क्या, कितना अच्छा लगा आपको बाला? बाला भी अच्छा है, लेकिन हैरी उसके हटकर है थोड़ा। ओके, 5/5। 5/5। गाने कैसे? गाने एक चुम्मा और बाला वाला अच्छा है। डायलॉग कैसे? डायलॉग भी अच्छे है, कॉमेडी है, मज़ा आया, एंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ आएंगे, दोस्त के साथ आएंगे, सब एंजॉय करेंगे। ठीक है जी, बोलिए। ओके, तो जश्न, आपने मूवी देखी हाउसफुल 4, कैसी लगी? बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत फर्स्ट क्लास मूवी है, सबको देखनी चाहिए, दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो हाँ, बस यही कहना चाहूँगी मैं। ओके, कॉमेडी टाइमिंग की बात करें तो सबसे अच्छी कॉमेडी टाइमिंग किसकी लगी? अक्षय कुमार। बाला के बारे में क्या कहना चाहिए? अगर मैं अभी तक हंस रही हूँ तो आपके सब जवाब आई गेस मिल चुके हैं आपको। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे कैरेक्टर, सबने पकड़ के रखा, किसी ने बोर नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लगा कि यार मैं एक मूवी क्यों देखने आ गई, मेरे को दो मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगा। नवाज बहुत ही क्यूट लग रहे हैं डांस करते हुए, अगर वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो बहुत बहुत क्यूट लग रहे हैं जो भी नवाज के फैंस हैं। बेस्ट सीन एक्चुअली सभी बेस्ट थे, मतलब पंचेज इतने प्यारे थे कि मैं कोई एक पिक करके नहीं बता सकती, क्योंकि आई वॉज कॉन्स्टेंटली लाफिंग। तो मेरे ख्याल से सबको देखना चाहिए, सस्पेंस नहीं तोड़ते हुए मेरे को ये कहना है कि सब देखो, जिसको बिल्कुल खुल के हंसना हो, खुल के हंसने के लिए आओ, दिमाग मत लगाओ बस। और जब बाला गाना आया था थिएटर में तो कैसा? बहुत प्यारा। एक्चुअली थिएटर में इतने कम लोग थे क्योंकि ये पहला शो है मे बी, तो बट ये अच्छा था, उनका इंट्रोडक्शन भी अच्छा था, मेरे को एक चुम्मा गाना भी अच्छा लगा, प्लस नवाज वाला गाना भी वॉज नाइस, एंटरटेनिंग पार्ट था नवाज का भी। रितेश देशमुख वाला वो ट्विस्ट कैसा लगा? रितेश देशमुख वाला ट्विस्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे से अभी किसी ने पूछा था कि कौन सी जोड़ी अच्छी लगी, तो मैंने यही बोला रितेश और पूजा, बिकॉज उनकी कैरेक्टर ही कुछ ऐसा ही था, तो इसलिए। ओके, 5/5 स्टार। 20 स्टार्स आई एम गिविंग, 20 स्टार्स टू दिस मूवी, थैंक यू। हाउसफुल 4 बहुत ज़बरदस्त है यार, मतलब मैं बता नहीं सकता, अभी भी पेट दुख रहा है मेरा, और मैं 3 घंटे हंसा हूँ सिर्फ, मतलब और कुछ नहीं किया। अगर
जितने भी स्टार बोलोगे मैं उतना दे सकता हूँ। बस अगर जितना इंटेलेक्चुअल लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ दिमाग मत लगाएं कि ये क्यों हो रहा है, कौआ इधर किधर, वो मत लगाओ, हंसो सिर्फ, इंजॉय करो और कुछ नहीं है फिल्म के अंदर। आपको क्या लगता है किसकी हो सकती है? अक्षय कुमार। और जोड़ी एज अ हीरो हीरोइन अक्षय एंड कृति। नवाज का कैमियो वो आपको बहुत याद रहेगा, टेक अवे है वो आपके लिए, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस है। बहुत दिनों बाद मैंने उनको कॉमिक टाइम में, नहीं तो सीरियस देख देख के ऐसा हो गया था, अक्षय कुमार सीरियस देख के बोर हो गया था मैं तो लिटिल बिट, बट इस कैरेक्टर में उन्होंने ख़त्म कर डाला, सबको ख़त्म कर डाला। ओके, फाइव फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छी थी एक्चुअली। They did crack me, like it was good actually. It was good. What was the one thing that you liked the most in the movie? The story, obviously. People were asked to take it out. It's not much of a big deal. Then the way he explains the funny scenes, was good. Okay, after a long time, Rajkumar Rao is coming in a comedy genre. So what do you like to say about the comedy genre of Rajkumar? Actually, that's much better. I loved it. Yes. Okay, what is the one thing you liked the most about the movie? The scene? The teacher scene, the parent scene where he gives the wrong speech. That was really okay. Any favorite song of yours from movie? No. Yeah, okay. Out of 5, how much is it? 4.5. Okay, just now we have watched your Made in India. So how was it? The movie was good. Okay, if you like, what would you like to say about the comedy genre of the artist they have performed? So the comedy section was, I think, good. I mean, it was not a upfront comedy movie, it had more of a message, but it was more of a business movie. It taught the viewers like how to do good business more than comedy, but yeah, it was still funny. What did you like the most about? The ending was good, the monologue by Boman Irani, it was very good. Okay, every favorite song of yours from the movie? I was not a big fan of the music, but the story was good. Okay, out of 5, how much did you like the music? 4. मैडम उधर रोलिंग। ओके, सो जस्ट नाउ वी हैव वॉच्ड द मेड इन इंडिया, सो हाउ वाज द मूवी? मेड इन चाइना। मेड इन चाइना, या द मूवी वाज वेरी गुड, लाइक कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, एज लॉन्ग एज द एक्टिंग इज टू गुड, प्योरली विद सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स, इट्स अ फुल पैकेज फॉर दिवाली, लाइक यू हैव टू वॉच इट दिस दिवाली। ओके, वी विल टॉक अबाउट द कॉमेडी टाइमिंग, हु वर्क बेटर, बोमन इरानी और राजकुमार राव? राजकुमार राव। The dialogues and the most amazing part of the movie was हर इंटरवल में दूसरा कोई अजीब सा गाना नहीं था जो नीडेड नहीं था, इट्स लाइक सही टाइम पे सही गाना बज रहा है एंड द सॉन्ग्स आर ऑल्सो गुड, लाइक नहीं बोर हो रहा है यार आगे चलो फॉरवर्ड करो आगे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स लाइक हाँ द सॉन्ग्स नाइस एंड मोइनी रॉय'स मूव्स आर सो गुड शी लुकिंग वेरी प्रिटी एंड एलिगेंट। सो दिस सॉन्ग यू लाइक द मोस्ट? नारी नारी। ओके, हाउ मच लाइक Out of 5, it's a 3.5-4 movie. Very nice. बहुत अच्छा। स्टोरी में क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा? उन लोग का जो रियल कैरेक्टर था ना, कि वो लोग इतनी बड़ी एज में भी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई तो करने दे नहीं रहे थे, इतनी बड़ी उम्र में भी उन लोग ने स्टार्ट किया और वो लोग ने अचीव किया, वो एक बड़ी बात है। हाँ, वो लोग का लुक एकदम मतलब लग रहा था कि इनटू द कैरेक्टर है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ड्रेस्ड है या वैसा कुछ है, एकदम इनटू लग रहा था। ओके, हरियाणवी लैंग्वेज जो कहा है वो कितना मतलब कितना खड़े उतरे उस पे जो हरियाणवी लैंग्वेज, वो लैंग्वेज पे भी आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज पे भी बहुत अच्छा वर्क किया वो लोग ने, बहुत मेहनत किया लैंग्वेज के उस पे, कि मतलब लैंग्वेज भी एकदम लग रही थी कि हम वो लोग ने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, और उसके बाद वो लोग ने जब वो मूवी में डाला है तो वो एकदम रियल लग रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि एक भी बार वो एक्टिंग है, वैसे देखोगे तो एक्टिंग लगती है बट आप देखोगे तो वो एक्टिंग लगेगी बहुत कम, वो एकदम रियल ही आता है। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना? मैं 4.1 4.2। थैंक यू। कैसा लगा आपको मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। ओके, स्टोरी की बात करें तो कैसी लगी आपको ये बायोपिक के उनका जो किरदार जो है वो कितना रियल लगा? ये बहुत रियल है, मतलब इतना बढ़िया कास्टिंग बड़ी कमाल की है, मतलब जितने भी उसमें लोग एक्ट किए हैं ना बहुत ही बढ़िया, आपको एक भी जगह ऐसा नहीं लगता है कि हम कहीं बोर हो रहे हैं या क्या देखने आ गए, आप ये फिल्म देखो आप मोटिवेट होते हो अंदर से, मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, बशर्ते हम किसी की सुने ना, जहाँ हम सुनते हैं वहाँ रुक जाते हैं, आगे कौन बढ़ता है जो नहीं सुनता है। ओके,
ठीक है, इसमें तो एकदम पूरा मुझे सब वही दिखता था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मतलब कुछ अलग है, बहुत ही बढ़िया। तो हम क्या कह सकते हैं ये तापसी और भूमि के बेस्ट परफॉर्मेंस है? सबसे बढ़िया, आज तक की सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया एक्टिंग आज तक उन लोगों ने किसी में किया ही नहीं। ओके, फाइव आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 5 में 5। थैंक यू। ओके मैम, आपने अभी जस्ट मूवी देखी सांड, क्या कैसी लगी? इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग फिल्म एंड आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। I think it's a must watch, especially with all your family and friends. Okay, ये biopic movie है तापसी और भूमि की, तो कितना खड़े उतरे ये biopic? मुझे तो लगता है क्वाइट अच्छे से खड़े उतरे, उनकी मेहनत दिख रही है and you know it's a very well made and you know they've acted really well in the whole movie. Okay, तो हरियाणी language वो कितना पकड़ा है उन दोनों? अच्छा खासा पकड़ा है, there were times when we were like, ये बोल क्या रहे हैं, exactly समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, हाँ मूवी भी अच्छी बन रही है। ओके, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी फिल्म थी। ओके, ये मूवी से ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ये मूवी के लेके गए बहुत अच्छी लगी? द होल मूवी इज़ रियली नाइस, द स्टोरी लाइन एंड एवरीथिंग इज रियली गुड। सो ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार? 5। चलो ओके साइंड की, आपने अभी जस्ट मूवी देखी, कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी थी मूवी, देखने में मज़ा भी आया, सारी बातें भी समझ आई, जो भाषा थी हरियाणवी वो भी समझ आई थी। बागपत मेरे फ्रेंड की जगह है, मतलब फ्रेंड का वो है, उसमें भी मैं जा चुका हूँ उस जगह, अच्छा एरिया। ओके, ये बायोपिक मूवी है तो कितनी खरे उतरे दोनों भूमि और तापसी? दोनों ही अच्छे करेक्टर निभाए और दोनों ने, मतलब मैं तो शौक हो गया था देखकर कि इन दोनों ने ऐसा रोल निभाया, और जो दूसरा वाला था वो तो वाहियात, मतलब देखा जाए तो अलग ही था वो सीन। तो हम क्या कह सकते हैं ये भूमि और तापसी की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी तक? हाँ ये तो है, क्योंकि इन्होंने सबसे अलग करेक्टर निभाया, जितनी मैंने मूवी देखी इन दोनों की, तो मतलब मैंने आज शौक हुई इन्होंने ये करेक्टर भी निभा लिया। ओके, जो हरियाणवी लैंग्वेज है उन्होंने वो कैसे पकड़ी? वो भी अच्छी पकड़ी है, क्योंकि मैं तो समझ लेता हूँ हरियाणवी लैंग्वेज, तो मेरे को तो बहुत सही समझ, सारे वर्ड समझ आए, सब पूरी मूवी समझ आई है। मूवी में और क्या कुछ पसंद है? मूवी में तो दादी के सीन सबसे बेस्ट, मतलब मुझे तो सबसे ज़्यादा सब मेरे को दिल भाग गया एंड वाली, जब सबसे बड़ी दादी का था, और जो उन्होंने और जो जब सरपंच वगैरह जो इलाके मतलब बैठती है, वो भी दोनों दादियों का अच्छा था। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 4। फोर थैंक यू। बहुत बढ़िया फिल्म है। परफॉर्मेंस की बात करें तापसी और भूमि की, कैसी लगी? दोनों की अच्छी है यार, मुझे ऐसा नहीं कि एक ने अच्छी की एक ने, दोनों ने बहुत अच्छी की, और प्रकाश राज ने भी अच्छी की। ओके, ये बायोपिक मूवी है, हाँ, कितने खरे उतरी है? ये रियल स्टोरी है, मेरे पड़ोस की स्टोरी, मेरे गाँव के पास की, मैं बागपत से हूँ, ये फिल्म भी बागपत की है, और मेरी बुआ जी है झोड़ी की, तो मैं दादियों को जानता हूँ दोनों को, तो फिल्म अच्छी है और रियल स्टोरी पे बेस है और कनेक्ट करती है तुम्हें, तुम बोर नहीं हो सकते, इमोशनल भी है बीच बीच में। ओके, ये मूवी में हरियाणवी लैंग्वेज बोली गई है, तो दोनों एक्ट्रेसेस ने? नहीं, स्टार्टिंग में मुझे अजीब लगा, जब स्टार्टिंग की फिल्म स्टार्ट हुई मुझे लगा फिल्म हरियाणवी को पकड़ रही है, अच्छे से हो नहीं रहा, बट फिर रिलेट होता गया, अच्छा लगा बाद में स्टार्ट। ऐसी एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी मूवी में? मूवी में सब चीज़ अच्छा ही लगा यार, बीच बीच में इमोशन आ जाता था, बीच बीच में फनी भी होता था, सब कुछ अच्छा है। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार? 5 to 5। थैंक यू सो मच। ओके सो सर, ना जस्ट ना आपने सांड की आप मूवी देखी, तो कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो तापसी और भूमि की कैसी लगी आपको? तापसी जी और भूमि जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से उस रोल को निभाया है। और रही बात लैंग्वेज की, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक हरियाणवी जो वुमेन है वो बोल रही है, सो बहुत अच्छा निभाया। ओके, ये मूवी एक बायोपिक के शूटर दादी के नाम पे है जो जी, हाँ जी बनी है, सो कितनी खड़ी उतरी है ये बायोपिक? हाँ, मुझे ऐसा लगता है इसमें कुछ फिक्शन है, रियल स्टोरी है लेकिन इसमें कुछ फिक्शन भी है, सो अब फिक्शन तो मोस्टली मिर्च मसाला तो देना ही होता है, सो ठीक है, इट्स ओके। ओके, एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी आपको मूवी में? एक चीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक चीज़ जो शूट करने का उनका स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा दादी। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए? 3।